नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरक्षा सगी। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज के नए टेक्नोलॉजी के युग में बुजुर्ग और अनपढ़ लोगों के लिए ऐसा हनुमान चालीसा बनाया गया जिसकी विशेषता सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। बताते चलें कि ग्वालियर में देश में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ धार्मिक पुस्तकों आयोजन मंदिर जैसी जगहों पर टेक्नोलॉजी ने कब्जा कर लिया है। यहीं अपनाने के लिए प्रेरित किया है एक आधुनिक हनुमान चालीसा पुस्तक का निर्माण किया गया जिसमें अनपढ़ बुजुर्ग लोग भी बिना पढ़े हनुमान चालीसा की जिस चौपाई पूरी किताब में लिखा सुनना चाहते हैं स्टूडेंट पर रखकर पूरी चौपाई हनुमान चालीसा सुन सकते हैं। आइए देखते हैं विशेष कवरेज हमारे आरजे ग्वालियर के आशीष श्रीवास्तव के साथ। अब इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ये टॉक इंस्ट्रूमेंट है। इसको जब कोई आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो कोई किताब को पढ़ नहीं सकता है उस केस में इसको क्या करना है, केवल इसको इतना यूज करना है कि इसको जिस भी चौपाई के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को रखोगे ये वहीं से बोलना चालू कर देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको मैं यहाँ पे खोल के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये अभी ये कैसे करेगा काम। जी सर बताएं, ये जो हनुमान चालीसा की ये किताब है तो इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है, तो क्या है इसमें खास सर, आप बताएं इस बारे में हमें। एक्चुअली ये हमारे मित्र हैं लखविंदर सिंह, जिसको हम क्या उनको घर पर लक्की बोलते हैं जी, उन्होंने एक सेफ शॉप नाम है उनकी दुकान का, तो वहाँ पे उन्होंने एक अभियान चलाया जिसके तहत उनका एक मकसद है कि भगवत गीता संपूर्ण हनुमान चालीसा जैसे जी रखा हुआ अपने पास, ये सब चीज़ें ये दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक जी। इनमें क्या है कि जैसे कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं तो इसमें अगर कोई आदमी पढ़ा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है और वो पढ़ नहीं सकता उसके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है। आप जैसे इसको अपन ने खोला, खोलने के बाद उसको जिस भी चौपाई को पढ़ना है और उसको आता नहीं है तो वो उसके ऊपर इस तरीके से जैसे ये है, इसको अपन ने इंस्ट्रूमेंट लिया और इसको इसके ऊपर मैंने लगा दिया। और अब इसको अपन ने स्टैंड पे लग दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी चौपाई बोलेगा। नीचे मनु मुकुरु सुधार रघुबर। जैसे इसमें जिस चौपाई पे अपन लगा देते हैं उस चौपाई को बोलता है, इसमें और भी सारे स्टूडेंट ऐसा बताया कि पूरा हनुमान चालीसा बोलता है या इसका जिसको पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए। ये तो बात हो गई चौपाई की जी। अब हम बात करते हैं कि उसको पूरा हनुमान चालीसा इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना है, तो सबसे पहले इसको हनुमान चालीसा की एक जो ओपनिंग रहती है, स्टार्टिंग ये पॉइंट बने हुए हैं दो, ये जो ब्लू पॉइंट है या दिस पॉइंट, इस पे किसी पे भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट को यूं रख देंगे ये तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाए। अब ये पूरा कंटिन्यूएशन चलेगा जब तक हनुमान चालीसा चलेंगे। इसके अंदर का सुंदरकांड भी है और बचपन से हनुमान जी के जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हनुमान जी ने जो भी कार्य किए हैं, जैसे राम के राम की भक्ति की राम के साथ रहे, तो सारा विवरण इस किताब के अंदर है। इस किताब की जो आज की कॉस्ट है ये 10,000 रुपये की किताब है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हर घर में एक किताब होनी चाहिए, ये अपना ये ऑब्जेक्टिव है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर घर में एक किताब जाए और पूरी उम्मीद है जाएगी। तो ये किन लोगों द्वारा तैयार की गई है, कैसे तैयार, किस उद्देश्य को लेकर तैयार की गई है? इसका उद्देश्य केवल सबसे पहले तो ये था कि
कि कई बहुत सारी किताबें होती हैं, आदमी जैसे 50-100 रुपये सस्ती भी होती है, लेकिन क्या होता है कि आदमी बहुत सारा पढ़ नहीं पाता है, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने अपना इसको इंस्ट्रूमेंट लिया और यहाँ पे बुक को लगाया तो पूरा सुंदरकांड आपका हनुमान चालीसा सारा ऑटोमेटिक चलता रहेगा और घर में एक अच्छा वातावरण, मतलब शांति और अच्छा वातावरण रहेगा। ऐसा माना जाता है ये जो अनपढ़ लोग हैं या बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। ये तो बिल्कुल ही उपयोगी है मान लो। और घर में दूसरा, अगर ये किताब हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर घर में शांति भी रहेगी। तो आपका क्या उद्देश्य किताब के द्वारा, आप कितने लोगों को जागृत करना चाहते हैं? मेरा ये है कि हर घर में किताब पहुँचे, सनातन धर्म का प्रचार हो, क्योंकि सनातन सभ्यता इकलौती ऐसी सभ्यता है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कुछ वामपंथियों के द्वारा इस सभ्यता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन एक चीज़ कहावत है कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। तो सच्चाई के रास्ते पर जो अपन चल रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं उसमें, और इसलिए मैं अपना धर्म जो मेरा सनातन धर्म है और इसको आगे बढ़ाना है और उसके उसी को ध्यान में रखते हुए इस किताब, इसके साथ में भगवत गीता भी है, रामायण है, टोटल इंस्ट्रूमेंटल है, आपको सिर्फ इसको टच करना और पूरे जितना भी आपको जितना सुनना चाहो उतना आप सुन सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये वेरी यूजफुल टू एक्चुअली दोज हु आर इलिटरेट और जो बुजुर्ग हैं जिनको दिखता नहीं, तो वो अपने बैठे इसको लगा देंगे तो अपने उनको सुनाई देने लगेगा और पूरा सब। अच्छा, किस संस्था द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है? एक्चुअली अभी ये क्या है, इसका जो अपना सेफ शॉप करके जगह शॉप वो दुकान है, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया है। बाकी इसका मुझे ज़्यादा और डिटेल में जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे से वो जुड़े उन्होंने मुझे बताया, मुझे मैं प्रभावित हूँ इससे, इसलिए मैंने इसको परचेज किया और मैं इसको आगे भी बढ़ाऊँगा इसको। जी, आपका शुभ नाम? अरुणेश सिंह भदौरिया, और मैं ग्वालियर में रहता हूँ, भागीरथ एजेंसी और मानव विकास सेंटर में जिला अध्यक्ष हूँ ग्वालियर में। जी, और मेरा मेरा एक लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की सेवा करना, और उसको किसी भी रूम में अगर मेरे को खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाऊंगा, बुक अगर मुझे लगता है ये नहीं कर सकता तो मैं बुक भी सेव करूंगा, कैसे भी करके लोगों की मदद करना मेरा ऑब्जेक्टिव है। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।